आशीर्वाद देता हूँ और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जब नारा चलता था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हम लोग बोलते थे हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं गड़गड़ मोदी गड़गड़ मोदी। भागलपुर की जनता ने पहचाना और उस लहर जो कहता था कि मोदी जी का लहर है अच्छे दिन लाएंगे, उसमें भी आप भागलपुर की महान जनता ने पहचाना मोदी जी को और भारी मतों से आप लोगों ने बुल्लू मंडल जी को जिताने का काम किया था कि नहीं किया था। अब बताइए हमारे चौकीदार ने कैसी चौकीदारी की, रफाल घोटाला ऐसा चौकीदार कि देश का बैंक खाली हो गया, नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया और सब मोदी जी के बिरादरी का। और यहाँ छोटे मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी सृजन घोटाला, रेखा मोदी, याद है कि नहीं है? क्या हुआ जांच? कुछ नहीं हुआ। और हमारे चौकीदार ने क्या चौकीदारी की है? चौकीदार जी आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप चौकीदार हो तो देश और बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदारी ने गलती की है ए भाई, तो जनता जो थानेदार है चौकीदार को सजा देने का काम करेगी, बख्शेगी नहीं। आज देख लीजिए देश में जो लड़ाई होने जा रही है, ये कोई बुल्लू मंडल जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अपने संविधान को बचाने की। जिस प्रकार से संविधान पे खतरा है, जिस प्रकार से आरक्षण पे खतरा है, आप जितने पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित भाई, ओ भाई, अंचल के भाई, आप सब लोग ध्यान से मीडिया को भी सहयोग वोट देने का काम कीजिए, अपनी पीढ़ी के बारे में सोचने का काम कीजिए। दोबारा ये लोग आ गए तो ये लोग संविधान को बदल देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा, आरक्षण समाप्त होगा तो अगली पीढ़ी को ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये फिर से वन व्यवस्था लागू करके आपको गुलाम बनाने का काम करेगा। गोच्छ के मानने वाले हैं, गोवर्धन के मानने वाले लोग हैं। आने वाला जो चुनाव है आप देखिएगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। और मोदी जी ने अमीरों का कर्ज माफ कर दिया, किया कि नहीं किया? लेकिन हमारे गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे। आज हमारे किसानों की क्या स्थिति है? खाद तक नहीं मिल रहा, दान नहीं बिका रहा, सही मूल्य नहीं मिल रहा। हमारे नौजवानों की क्या स्थिति है? समय पे एक विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं हो पाता, स्कूल में हेडमास्टर नहीं है और अस्पताल का तो मत पूछिए, ये मंगल पांडे अमंगल हो गए। इनके मंत्री बनने के बाद तो ये स्थिति हो गई कि बेड पे, अस्पताल के बेड पे कुत्ता लेटा रहता है, एगो का हाथ काट दिया, डॉक्टर काट दिए, ऑपरेशन किया, तो कुतवा हाथ लेकर के भाग रहा है। ये स्थिति है आपके अस्पतालों की। शिक्षा का तो ये स्थिति है, टीचरों को अलग परेशानी है, समय पे वेतन नहीं मिलता, कई स्कूल में जो है शिक्षक नहीं है, है कि नहीं? पढ़ाई होता है, कौन पढ़ता है उस सरकारी स्कूल में? यही गरीब का बच्चा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, यही लोग जाते हैं सरकारी स्कूल, बाकी सब तो प्राइवेट में। लेकिन क्या पढ़ाई हो रही है भाई? शिक्षा का तो स्थिति हो गया, एक हेडमास्टर जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, हिमालय से गंगा जी निकलती है, धीरे धीरे ऋषिकेश होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इलाहाबाद आती है,
बनारस आकर के आती है, बनारस आती है, वही रुकती है गंगा जी। स्टूडेंट छात्र पूछता कि काहे ना रोके मेरा गंगा जी को, तो मास्टर साहब कहते हैं वहां आधे ना मिला है, पूरा मिल जाए तो बंगाल की खाड़ी को काट देंगे। होली दिवाली छठ सब पर बीत जाता है, छह छह महीने तक वेतन नहीं मिलता। क्या हो रहा है बिहार में? और हमारे चाचा जी आप लोग जो कहिए पलटू कहिए या जो कहिए, है तो चाचा ना भाई, है कि नहीं? और हमको तो पापा मम्मी संस्कार में सिखा के बड़ों का सम्मान करो, चाचा तो चाचे बोलेंगे। अरे आवाज कोई काम नहीं हो रहा, आपको बोला जा रहा है कौन करना। हम तो अभी शुरुआत किए करें, तो दे देना अच्छे से। लेकिन एक बात चलती गई, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराने का काम करेगा भाजपा। 15 लाख तो मिला नहीं, रोजगार तो मिला नहीं, किसान का समस्या दूर हुआ नहीं, जब कोई काम ही नहीं किए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिए, स्पेशल पैकेज नहीं दिए, तो ये लोग फिर से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कश्मीर पत्थर बाद ये करेगा। आप लोग एकजुट रहिए, शांति से भाईचारा बना के रखिए। ये गिरिराज सिंह बोलते पाकिस्तान में, तो ये लगता गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो आपको। लालू जी ने आज तक इससे समझौता नहीं किया, और हमारे चाचा तो कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अगर तेजस्वी को लालू जी को कुर्सी प्यारी होती तो हम भी भाजपा से समझौता करके आज बिहार का मुख्यमंत्री बनते, लेकिन सौ बार ऐसी कुर्सी को लात मारेंगे जो हमारे विचारधारा से। भाईचारा जहाँ शांति नहीं है, जहाँ पीस नहीं हुआ, प्रॉस्पेरिटी नहीं हुआ, विकास नहीं हो सकता। इस देश की आजादी में सब लोगों ने खून दिया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक बार बच करके इनके सावधानी से रहना है, इनके झांसे में नहीं आना है, एकजुट रहना है। और लालू जी को जो साजिश के तहत जो फंसाने का काम किया है, क्योंकि जानते थे लालू जी रहेंगे तो दंगा फसाद का जो ये लोग जो वोट वाला हो गया है, इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता, जहर कराना मुश्किल हो जाता। लालू जी बाहर थे तो मनुवादियों का इतना हिम्मत नहीं होता जो एससी एसटी एक्ट को खत्म कर देता, जो कठिन रोस्टर लगा करके हमारे पिछड़े भाइयों को खत्म करने की साजिश करता। इसलिए जो जानते थे लालू जी बाहर रहेंगे तो संविधान में और आरक्षण में किसी माई के लाल में दम नहीं, जो लालू जी के रास्ते में खत्म करते हैं। जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधा फैसला होता है। आपको फैसला जनता की अदालत आप लोग हैं। हम जब निराश थे तो लालू जी जेल जा रहे थे तो हम निराश थे। हमारे पिता बोलते बेटा निराश मत होना, जाना निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए। अनु मंडल जी यहाँ से प्रत्याशी है, मुझे पूरा भरोसा है एक अच्छे देश के निर्माण के लिए, शांति अमन चैन भाईचारा संविधान को बचाने के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए, सामाजिक न्याय को बुलंद करने के लिए, विकास के लिए, जो अंतिम प्रधान पे खड़ा व्यक्ति जो है वो मुख्य धारा में आए, इसके लिए आप लोग एकजुट होकर के हमारे बड़े भाई बुल्लू मंडल जी को वोट दे करके लालू जी और महागठबंधन को हाथों को मजबूत करने का काम करें। हम तो निश्चिंत होकर जाए ना।